नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया। इस मैच में विराट कोहली का बल्ला जमकर चला और उन्होंने शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में हैरिस रॉफ के खिलाफ 19वें ओवर में लगाए उनके दो जबरदस्त छक्कों की काफी तारीफ हो रही है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कोहली के इस छक्के की तुलना 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर द्वारा शोएब अख्तर की गेंद पर लगाए गए छक्कों से की है। रवि शास्त्री के मुताबिक इस छक्के की तुलना उसी से करना सही है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम को अंत के दो ओवरों में 31 रन चाहिए थे। ऐसे में 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैरिस रॉफ ने पहली चार गेंदें काफ़ी अच्छी डाली और केवल 3 रन दिए। अब भारत को जीत हासिल करने के लिए आखिरी दो गेंदों पर बड़े शॉट्स की जरूरत थी। ऐसे में विराट कोहली ने आखिरी दो गेंदों पर जबरदस्त छक्के जड़ दिए। इनमें से उनका पहला छक्का काफी शानदार था। कोहली ने 5वीं गेंद पर रॉफ के सर के ऊपर से गजब का छक्का लगाया था और इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इस बीच भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली की तारीफ करते हुए कहा, मैंने कई सालों तक इंडिया पाकिस्तान के मैच खेले और देखे हैं। हैरिस रॉफ के खिलाफ वो दो शॉट्स किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे महानतम शॉट है। उसकी तुलना केवल 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के छक्के से की जा सकती है। ये दोनों ही हमारे समय के महानतम क्रिकेटर हैं। तेंदुलकर ने वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों के सामने बेहतरीन पारी खेली थी और इस बार कोहली ने भी वही किया। क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ ये दोनों ही काफ़ी जबरदस्त पारियां थी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।